हेलो दोस्तों नमस्कार हैप्पी रिपब्लिक डे आपका अपना यूट्यूब चैनल ए एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है आज आपको लेकर आए हैं लकार का पार्ट फोर वीडियो पार्ट फाइव वीडियो पार्ट फोर तो दे चुके हैं पार्ट फाइव वीडियो इसमें बतला इसमें आपको लंग लकार के बारे में बतलाएंगे कि लंग लकार का अनुवाद कैसे बनाएंगे ये क्या है तो इसका पहचान सबसे पहले जान लेते हैं कि लंग लकार का पहचान क्या होगा कहता है कि जिस हिंदी बाग से आपको बीते हुए समय का बोध कराए अगर बीते हुए समय का बोध कराए तो हम समझेंगे कि लंग लकार का बात होगा यानी काम वो समाप्त हो जाना चाहिए खत्म हो जाना चाहिए तो हम उसको कहेंगे लंग लकार जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं उसने खाया तो उसने खाया मैंने क्या किया खा लिया तो इस तरह से आपको कौन लकार का हो हो जाएगा जाएगा लंग लकार का हो जाएगा। अब फिर आपको लंग लकार के क्रिया परतीयंत रूप देखते हैं तो तम ता, अन अह, अम इतना होता है आपको लंग लकार के क्रिया प्रतियंत्र रूप फिर इसके बाद जब आप लंग लकार का अनुवाद बनाएंगे तो उसमें एक केस का ध्यान रखना पड़ेगा एक कंडीशन है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा वो देखिए क्या है जो कथा लंग लकार के अनुवाद बनाते समय धातु रूप के पहले आ जोड़ते हैं मैंने जो धातु रूप आप जानते हैं पठ हस लिख ये जो भी है इसके पहले आपको आ जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आ जोड़ करके क्रिया प्रत्या रूप लगाते हैं जैसे जैसे यहाँ है तुमने किताब पढ़ा मैंने कहा क्या तुमने किताब पढ़ा मैंने क्या हुआ किताब पढ़ लिया जब किताब पढ़ लिया तो पता कीजिए कौन लकार, का हो तो लंग लकार कौन पुरुष तो मध्यम पुरुष कौन वचन तो एक वचन तुमका तो हम किताब का पुस्तक पढ़ना क्या होता है पठ लेकिन पठ के पहले क्या बोला था आ जोड़ने के लिए तो आ हम जोड़ दें उसके बाद जो क्रिया रूप होगा उससे तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन में क्या है आह है तो मध्यम पुरुष क्वेश्चन में आ विसर्ग है तो आ तो पाठ में आ तो, में तो आप पहले ये है लेकिन विसर्ग नहीं है तो विसर्ग हम लगा दिए तो होगी आप अगला देखिए उसी तरह से राम ने रावण को मारा <coughs> कहता राम ने रावण को मारा तो ये भी लंग लगकर प्रथम पुरुष एक वचन तो राम तो हन होता है हन के पहले आ लगा दिए और मर रहा है कौन तो राम मर रहा है तो प्रथम पुरुष एक ही वचन का तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है आहन का स्पेशल चलता है हन का आहन आहत आघनन करके चलता है तो इसमें आहन होगी अगर प्रत्यक्ष बनाएंगे कत प्रत्यक्ष तो बनेगा कत कतव बनाएंगे तो हतवान बनेगा क्योंकि ये दोनों भूतकालिक क्रिया में जाता है तो हम आशा करते होंगे कि आप लगभग लंग लकार का बाक अनुवाद बनाने के लिए समझ गए होंगे तो अब हम देखते हैं लिंग का अनुवाद कैसे बनेगा अब आप पढ़ेंगे विधिलिंग लास्ट लकार है। विधि में कहता है पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हुआ हो अगर चाहिए लगा हुआ होगा तो हम कहेंगे लिंग का वाक्य होगा फिर इसका क्रिया प्रत्यंत रूप देखिए क्या होता है एक एताम एयू, एह, एतम एत, एयम, एब, एम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं विधिलिंग सबसे हल्का है यहाँ देखिए है तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए कौन लकार का है पता कर लीजिए पहले विधि माध्यम मध्यम पुरुष एक तुम्हें का क्या होता है तब हम किताब का पुस्तक पढ़ना के तो पठ होगा अब जुटेगा इसके अनुसार फिर इसको याद करेंगे कहे बोले थे कि जैसा करता होगा वैसा क्रिया होगा इसको ध्यान देंगे तो विधि लिंग मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है विधि लिंग मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है एह है तो पाठ में एह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए का तो मात्रा पढ़े थे ऊपर एक माथा पे निशान सिर्फ तो माथा पे निशान दे दिया गया है फिर आपको पाठ में जब एक निशान दिए तो विसर्ग बच गया तो विश्व दे दिए तो बने गया क्या पठे फिर अगला अनुवाद देखिएगा अतः राम को किताब पढ़ना चाहिए तो राम को किताब पढ़ना चाहिए उसी तरह से कौन लिंग विधिलिंग का हो जाएगा प्रथम पुरुष हो जाएगा एक वचन हो जाएगा राम के रामा किताब के पुस्तकम पढ़ना के पठ आप पठ में एच जोड़ेंगे तो पठेत हो जाएगा इस तरह से बन गया अब आपको लकार खत्म हो गया और इससे मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन देता है धातु रूप और शब्द रूप ये आपका ऐसा छोटा मोटा अनुवाद नहीं देगा यह आपका सिर्फ एग्ज़ाम में बताने के लिए हम आपको बेसिक नॉलेज दे दी कि एग्ज़ाम में अगर आप कुछ भी बनाए तो याद रहे जैसे कि गद्यांश बनाएं तो लकार से बेसिक चाहिए पात्र लिखें तो लकार चाहिए अनुच्छेद लिखेंगे तो लकार चाहिए इस कारण सबको बेसिक नॉलेज दे दिए लकार का अब इसके बाद इससे जो क्वेश्चन पूछता है धातु रूप और शब्द रूप जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देते हैं जितना भी धातु रूप है या जितना भी शब्द रूप है जो इम्पोर्टेंट है आपको हम सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिख देते हैं टोटल कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपको शब्द रूप जो मैट्रिक बोर्ड मार सकता है और धातु रूप उसको आप कन्फर्म दम याद कर लीजिएगा अगर वो याद कर लेंगे तो हंड्रेड परसेंट गारंटी देते हैं कि आपको शब्द रूप और धातु रूप से क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में जो आठ नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो आपको नहीं छूटेगा क्योंकि आपको एक समझिए बेसिक प्लेटफॉर्म था स्टार्टिंग था अगर ये सीख गए अनुवाद बनाने के लिए तो फिर आपको कब जो अगले वीडियो में बनाएंगे तो कारक बनेगा कारक में आपको तब समझ में आएगा जब आपको पूरे लकार कंप्लीट रहेगा तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा सबसे पहले ये टोटल पार्ट फाइव तक के वीडियो लकार का आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जब ये नहीं देखेगा पार्ट फाइव तक वीडियो तो आपको अगली वीडियो जो आने वाला है कारक का वो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको हम जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिख करके वो आप ध्यान दीजिएगा उसको भी याद कर लीजिएगा शब्द रूप और रूप जिससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटे थैंक्स